तीनों राजस्थान में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और हरियाणा में आकाश आनंद आपको बता दें कि बड़ी जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं और दोनों ही नेता अपनी अपनी राजनीतिक दलों को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। राजस्थान के अंदर इस वक्त भीम आर्मी के प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के द्वारा एक तरीके से संविधान बचाओ यात्रा, देश बचाओ यात्रा है वो निकाली जा रही है। राजस्थान के अलग अलग शहरों में जाकर भीम आर्मी प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के द्वारा ये कार्यक्रम है वो आयोजित किया जा रहे हैं। देर रात 11 बजे तक भी चंद्रशेखर आजाद अपनी पदयात्रा और रोड शो को वो जारी रखते हैं, उसके बाद एक बड़ी जनसभा करते हैं और अपने कार्यकर्ता नेताओं को पदाधिकारियों को संबोधित भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह कार्यक्रम 6 अक्टूबर तक चलेगा। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आकाश आनंद है वो हरियाणा में लगे हुए हैं। आकाश आनंद के साथ उनके पिता आनंद कुमार भी इस बार काफ़ी ज़्यादा भाग ले रहे हैं। आकाश आनंद जिन जिन रैलियों के अंदर भी जा रहे हैं, चाहे वो राजस्थान की रैलियां रही हो या फिर अब हरियाणा की रैलियों, आकाश आनंद और उनके पिता आनंद कुमार दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। ऐसा नजर आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी अब जो प्रभारी हैं उनके भरोसे नहीं बल्कि आकाश आनंद और आनंद कुमार के भरोसे पर ही पूरा एक तरीके से ताकत है वो झोंक रही है। आकाश आनंद के हर कार्यक्रम में उनके पिता की मौजूदगी भी देखी जा रही है। आकाश आनंद लगातार अब बहुजन समाज पार्टी से लोगों को और युवाओं को जुड़ने की अपील कर रहे हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के ऊपर और उनके गठबंधनों पर निशाना साध रहे हैं। हरियाणा के अंदर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से लगातार भारतीय जनता पार्टी निशाने पर है। बीएसपी के आकाश आनंद लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर एक तरीके से नफरत का माहौल है वो क्रिएट करना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी की अगर सरकार बनती है तो फिर बैकलॉग भी भरे जाएंगे और जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में शासनकाल चलाया था उसी तरीके का शासनकाल हरियाणा और अन्य राज्यों में भी किया जाएगा। यानी कि दोनों ही राजनीतिक दल और दोनों ही राजनीतिक पार्टी के नेता अलग अलग जगहों पर आपको बता दें कि अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियों को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इसी बीच आपको जानकारी बता दें कि अगले महीने में किसी भी समय 4 राज्यों के जो चुनाव होने वाले हैं उनकी अधिसूचना जारी हो सकती है। मिलेंगे इस वीडियो में अपडेटों के साथ। आपसे लेते विदा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर।